आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि झगड़े ये तो सबके घर में होते हैं, सबके साथ होते हैं। आखिर झगड़े होते क्यों हैं? झगड़े की वजह क्या होती है? क्या आपने खुद से यह सवाल किया है कि आखिर झगड़े क्यों होते हैं, उसकी वजह क्या होती है? 99% मामलों में झगड़े छोटी छोटी महत्वहीन बातों से शुरू होते हैं। जैसे कोई आदमी थका हुआ अपने घर आता है, डिनर में उसे मज़ा नहीं आता, वह शिकायत करने लगता है। उसकी पत्नी उसका भी दिन अच्छा नहीं गुजरा हुआ है, इसलिए वो आत्मरक्षा के लिए कह देती है कि मैं इस बजट में ज़्यादा बेहतर खाना नहीं बना सकती। वो कहने लगती है घर में अच्छे स्टोव हो, अच्छे मसाले हों तो खाना और अच्छा बन सकता है। अब इस बात से उस आदमी का गर्व आहत होता है। अब बदले में उस आदमी का मन उस पर हावी हो जाता है और उससे कहने लगता है कि देखो, सवाल पैसे की कमी की नहीं है, सवाल इस बात का है कि तुम्हें घर चलाना आता ही नहीं है। और फिर यही मन की कन्फ्यूजन की वजह से लड़ाई शुरू हो जाती है। अब लड़ाई तो शुरू हो जाती है, लेकिन जब तक शांति स्थापित होती है तब तक दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर तरह तरह के आरोप लगा चुके होते हैं। इसमें दोनों ही दल युद्ध में तनावग्रस्त और नर्वस भी होते हैं। अब इससे दोनों के मतभेद पूरी तरह तो नहीं सुलझ पाते, लेकिन अपनी अगली लड़ाई के लिए नए नए हथियार मिल जाते हैं। छोटी छोटी बातों के कारण, छोटे चिंतन के कारण ज़्यादातर झगड़े होते हैं। इसलिए अगर आप झगड़ों से बचना चाहते हैं तो आपको चिंतन से बचना ही होगा। अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, मैं कैसी टेक्निक बताने वाला हूँ, अजमाई हुई तकनीक बताने वाला हूँ। किसी की शिकायत करने से पहले, उस पर आरोप लगाने से पहले, उसे डांटने से पहले, आत्मरक्षा में उस पर हमला करने से पहले खुद से बस एक सवाल पूछें, क्या यह करना महत्वपूर्ण है? ज़्यादातर मामला महत्वपूर्ण होता ही नहीं है और आप झगड़े से बच जाते हैं। यही नहीं, जब आप नकारात्मक क्रिया करने वाले होते हो उस वक्त भी खुद से पूछें, क्या यह सचमुच महत्वपूर्ण है? ये बात तो जान लें, इस सवाल में जादू है। और यही एक छोटा सा चीज़, यही छोटा सा सवाल आपके घर के, आपके वातावरण के, आपके आसपास के माहौल को सुधार सकता है। बस इस वीडियो में इतना ही। और जब भी आप झगड़ा करने जाते हैं या कुछ भी नकारात्मक कार्य करने जाते हैं, तो उससे पहले अपने आप से ये सवाल ज़रूर पूछें कि जो मैं ये करने वाला हूँ या करने जा रहा हूँ, क्या यह सचमुच बहुत महत्वपूर्ण है? इसका जवाब आपके अवचेतन मन से मिलेगा। अवचेतन मन के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड कमेंट करके बताएं कि आपके झगड़े किस वजह से होते हैं। और हमें नए वीडियोस के लिए सजेशन भी दे सकते हैं और इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि इस वीडियो की वजह से, आपकी शेयर की वजह से लोगों के बीच झगड़े रुक सकते हैं। और हाँ, मैं ऐसे ही काम के वीडियोस लाता रहूँगा। तो इस वीडियो में यहीं तक, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।